रेसिंग क्रैंक मूवमेंट कैसे निकालना है, उसका एक फार्मूला है। होल्स इन इंडेक्स प्लेट डिवाइडेड बाय 5, 6 किए जाते हैं, खांचे या स्लॉट काट दिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिवाइडिंग और इंडेक्सिंग हेड के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंडेक्सिंग किसे कहते हैं? तो दोस्तों इंडेक्सिंग हमें गोलाकार जॉब पर समान भाग में समान एक गोलाकार जॉब है और उस पर हमें समान भाग पर काटना है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? इंडेक्सिंग कहते हैं। इंडेक्सिंग हेड किसे कहते हैं? मिलिंग मशीन पर इंडेक्सिंग करने के लिए जो अटैचमेंट का यूज़ किया जाता है उसे इंडेक्सिंग हेड कहते हैं। टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग हेड, दोस्तों कुल 4 टाइप्स है इंडेक्सिंग हेड के। पहला डायरेक्ट इंडेक्सिंग हेड, दूसरा सिंपल इंडेक्सिंग हेड, तीसरा यूनिवर्सल इंडेक्सिंग हेड और चौथा ऑप्टिकल इंडेक्सिंग हेड। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट इंडेक्सिंग हेड के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह है हमारा डायरेक्ट इंडेक्सिंग हेड, आप देख सकते हैं आकृति में जो आप देख रहे हैं यह है डायरेक्ट इंडेक्सिंग हेड। दोस्तों इसकी रचना जो है अत्यंत साधारण होती है। दोस्तों ये जो डायरेक्ट इंडेक्सिंग हेड है इसका जो स्पिंडल है इसके आगे इंडेक्स प्लेट और इंडेक्स क्रैंक लगाई जाती है। इस इंडेक्स प्लेट पर अलग अलग त्रिज्या पर समान अंतर पर होल्स होते हैं। कितने होल्स होते हैं? इसमें कुल 3 प्लेट्स होती है, 24 होल की, 30 होल की और 36 होल की। कुछ इंडेक्स प्लेट पर इन होल्स की जगह पर क्या किए जाते हैं? खांचे या स्लॉट काट दिए जाते हैं। क्या किया जाता है? खांचे और स्लॉट काट दिए जाते हैं। दोस्तों इंडेक्स क्रैंक का जो ये हैंडल है इसका सहारा लेकर हम आवश्यक होल पर इंडेक्स पिन इंगित करते हैं। ये जो इंडेक्स पिन है इसे इंगित करते हैं ये इनिंग। मान लीजिए यह पिन इंगित करते हैं। दोस्तों अगर हमें इस होल में अगर उस पिन को फिट करना है तो हम क्या करते हैं? इसमें एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, हम इसे पकड़कर बाहर खींचते हैं। बाहर खींचने की वजह से यह फ्री हो जाता है, इंडेक्स क्रैंक फ्री हो जाता है और हम इसे घुमाकर यहाँ पर इस होल में फिट कर देते हैं। तो यह जो स्पिंडल है इसके दूसरे साइड में क्या किया जाता है? एक चक या बिटवीन सेंटर लगाया जाता है। हम सिर्फ और सिर्फ 24, 30 और 36 इन संख्या को जिस संख्या से भाग जाता है भाग कर सकते हैं, उसी संख्या में हम समान भाग कर सकते हैं। अब इस संख्या को कौन से भाग दिया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहली संख्या आएगी हमारी 2, इसके बाद 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 30 और 36। दोस्तों ये जो संख्याएं है इतने ही भाग हम इस पर जॉब पर हम इतने ही भाग काट सकते हैं। ये जो संख्या है 2, 4, 6, 24, 30, 36 तक इतने भाग हम जॉब पर काट सकते हैं। चलिए आगे हम इसको और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें इंडेक्सिंग डायरेक्ट इंडेक्सिंग हेड में हमें इंडेक्सिंग क्रैंक मूवमेंट कैसे निकालना है, उसका एक फार्मूला है वो आप लिख लीजिए। उसका क्या फार्मूला है? वह आप फार्मूला लिख लीजिए। नंबर ऑफ होल्स इन इंडेक्स प्लेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड। अब इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ होल्स इन इंडेक्स प्लेट मतलब इस जो इंडेक्स प्लेट है इसमें कितने
एक्स प्लेट में कितने होल्स है ये हमें पूछा गया है, और उसको डिवाइड कितना करना है, हमें उस जॉब को कितने भागों में काटना है, यह हमारी रिक्वायर्ड यानी मांग क्या ध्यान में रखकर हमें वह डिवाइड करना है। इसका मतलब मैं आगे सविस्तर समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने 24 होल की यह इंडेक्स प्लेट है, हाँ। अब हमें क्या करना है, इसको बराबर 6 भागों में बांटना है, यानी नंबर ऑफ होल्स इन इंडेक्स प्लेट कितने हैं, 24 होल है, और हमें रिक्वायर्ड कितनी है, 6 भागों में से बराबर काटना है। अब डिवाइड कीजिए कितना आएगा, 4 बराबर, 6 × 6, 6 × 24, मतलब हमें जो इंडेक्स क्रैंक मोमेंट है यह हर कट के बाद कितनी, 4 होल्स आगे बढ़ानी होगी। मतलब समझा देता हूँ, अब देखिए यहाँ पर हमारा पहला होल है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा पहला होल है, इस पर हमने पिन लगाई, अभी हमने एक कट लगाया, फिर हमें क्या करना है, इसको बाहर खींचना है, उस पिन को जो स्प्रिंग वाली पिन होती है उसको बाहर खींचना है, बाहर खींच के हमें कितने होल आगे जाना है, 4 होल, 2, 3 और 4, ये पहला होल छोड़ देना है आपको, इसमें बाद में पिन वह बिठानी है, फिर से हमें कट लगाना है, और फिर क्या करना है, फिर आगे चौथे होल में, जैसे हमारा उस जैसे हमारा कट पूरा होगा, हमें फिर से क्या करना है, 4 होल्स आगे जाना है, 1, 2, 3, 4, यह डायरेक्ट इंडेक्सिंग होती है, यानी हम जितने भी यहाँ पर अंतर काटेंगे उतना ही अंतर हमारा जॉब पर कट होगा, यानी मान लीजिए ये हमारा जॉब है, ये गोलाकार हमारा क्या है, जॉब है। अब हम क्या किए, इंडेक्स प्लेट को ये जो इंडेक्स क्रैंक है इससे इसकी मदद से हम क्या करें, इतना प्लेट को घुमाए तो जॉब पर भी इतना ही अंतर आगे बढ़ेगा, इसके लिए इसको डायरेक्ट इंडेक्सिंग हेड बोलते हैं, इंडेक्सिंग या क्विक इंडेक्सिंग भी इसी कारण से इसे कहा जाता है, तो आप ये बात ध्यान में रखिए। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। दोस्तों अगला वीडियो आपको किस इंडेक्सिंग पर चाहिए मुझे कमेंट कर बताइए। दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं इंडेक्सिंग पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मिलिंग पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इंडेक्सिंग हेड यह मिलिंग का ही भाग है, तो आपको मिलिंग मशीन और इंडेक्सिंग पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।